मुंबई और राजस्थान का मैच एक्साइटिंग था फर्स्ट हाफ में, मगर सेकंड हाफ में मुंबई ने काफी डोमिनेट किया। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगता है कि मुंबई की जो ओपनिंग पेयर है क्विंटन और रोहित, उन्हें पहले मैच में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, बाद में दो मैचेस जो बीच में थे वहां पे इतनी पार्टनरशिप हुई नहीं थी और देवर टॉक्स कि क्या क्विंटन को नंबर चेंज किया जाए या किसी और को लाया जाए, वैसे बहुत सारे बातें सुनाई दे रही थी। बट इन द लास्ट टू गेम्स दे गॉट ऑफ टू अ फ्लायर। इनफैक्ट द लास्ट मैच अगेंस्ट राजस्थान इन द फर्स्ट सिक्स ओवर्स दे स्कोर्ड 56 और 57 रन्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट था और मैं समझता हूँ कि अभी ये पैर वन ऑफ द डेंजरस पेयर्स हो गए ये टूर्नामेंट में। शुरू में आके दोनों तरफ से बैटर्स बड़ा शॉट खेलने देखते हैं और मेनली मैं कहूँगा कि क्विंटन का जॉब फिलहाल तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि क्विंटन शुरू में ज़्यादा रिस्क लेगा और रोहित अपना टाइम लेकर, अच्छा जो रोहित की स्ट्रेंथ है बॉल को टाइम करना और गैप्स में खेलना, वो रोहित का रोल होता है। और बाद में रोहित सडनली एक्सेलरेटर बहुत ज्यादा प्रेस करता है कि वहां वो सिर्फ छक्कों और चौकों में ही बातें करता है बॉलर से। तो वो एक स्टार्ट कमाल का था, मगर उसके बाद मुझे लगता है जब सूर्या बैटिंग करने आया तो सूर्या ने भी सूर्या तो पूरी टूर्नामेंट मुझे लगता है कि अच्छी बैटिंग कर रहा है। कपल ऑफ ओकेजंस ही इज बीन अनलकी। प्रीवियस मैच मैंने कहा भी था कि सूर्या ने स्लोअर बॉल को फ्लिक किया और वो शॉर्ट फाइंडर के हाथ में ही बॉल चला गया, तो ये कोई प्लान डिसमिसल नहीं थी जो मैंने कहा था, मगर सूर्या की बैटिंग अच्छी हो रही है। तो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन द मिडल एंड बीइंग मोर सिलेक्टिव, जो सूर्या था पिछले मैच में। राजस्थान ने मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा कमबैक कर लिया था जब श्रेयस गोपाल के 10th ओवर जब वो कर रहा था तभी उसने दो विकेट निकाले रोहित की और ईशान किशन की, दोनों बड़ा शॉट खेले गए। और बहुत बार ऐसे होता है कि समझ लाइक ईशान किशन उस बीन बैटिंग वेल, तो आपको लगता है कि आप जब चाहे आप क्लियर कर सकते हो बाउंड्री लाइन, और वही हुआ कि ईशान को पहला ही बॉल उसने टॉसअप किया था और गूगली था तो ईशान को वहाँ बट नेचुरली छक्का दिखा क्योंकि उसके बैट बल्ले से बॉल इतना अच्छा निकल रहा है तो बैट्समैन को बाउंड्री इतनी बड़ी दिखती नहीं है, वो हमेशा लगता है कि ना मैं थोड़ा भी कनेक्ट करूंगा तो भी क्लियर हो जाएगा, तो उस कॉन्फिडेंस में ईशान थे। मगर दिस गेम इज द ग्रेटेस्ट लेवलर, इट कॉन्स्टेंटली टीचेस यू, एंड आई एम श्योर कल ईशान जब जाके ड्रेसिंग डगआउट में बैठा था तो उसके ऊपर कैमरा भी था तो वी ऑल सॉ हाउ अपसेट ही वाज। एंड देन देयर वाज दिस लल पीरियड वेयर आई वुड से जब कृणाल बैटिंग करने आया था तो फ्रॉम 10th ओवर टू 14th ओवर 5 ओवर में सिर्फ 29 रन्स ऐड किए गए थे, मगर द वे आई सी दैट मस्ट हैव बीन मुंबई की स्ट्रेटेजी, क्योंकि पीछे हार्दिक आने वाला था, पोलार्ड था, पैटिनसन भी था और सूर्या और कृणाल दोनों बैटिंग कर रहे थे, तो अगर वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करते वहां पे तो बाद में एक्सेलरेटर दबा सकते हो, आप गाड़ी जितनी चाहे उतनी तेज चला सकते हो क्योंकि उस तरह की बैटिंग लाइनअप डगआउट पे बैठी हुई थी। और जब कृणाल और सूर्या की पार्टनरशिप हुई तो उसमें मैंने देखा कि सूर्या ने बीच में कमाल के शॉट्स के लिए, स्पेशली मैं एक शॉट कहना चाहूंगा, अगर आप सूर्या का बैटिंग ग्राफ देखते हो तो उसमें सूर्या ने सामने वी में बहुत कम रन्स किए, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उसका वीकनेस है, मैं कहूंगा कि शायद उसकी वो स्ट्रेंथ है क्योंकि उसने फील्डरों के पास ज्यादा बॉल खेली नहीं है। इसका मतलब उसके स्कोरिंग एरियाज थे थर्ड मैन पे थी, फाइन लेग पे थी, कवर और मिड विकेट उस तरफ ज्यादा थी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब श्रेयस बॉलिंग कर रहा था सूर्या ने दो कमाल के शॉट खेले, एक तो मुझे लगा कि मैंने कह भी दिया था ट्विटर पे कि वो शॉट ऑफ द मैच था जो बैकफुट पे नॉर्मली बैट्समैन जाके ऐसा पॉइंट पे खेलता था बॉल, क्योंकि वो जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल था और उसे उसने बहुत कमाल से, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आगे था वो पूरा पीछे गया नहीं, वहीं से ही गॉट अंडर द बॉल
ताकि बॉल को एलिवेशन दे सके, और बैकफुट पे उसने जस्ट वेट हल्का सा ट्रांसफर करके शॉर्ट कवर के सर के ऊपर से कमाल का चौका मारा। टू मी दैट वाज द बेस्ट शॉट ऑफ द मैच। सूर्या बहुत क्रिएटिव है और उसकी स्ट्रेंथ है बॉलर के दिमाग में घुसना और एक स्टेप आगे रहना उसके। तो ही मे नॉट एंड अप हिटिंग सामने बड़े बड़े छक्के जैसे पोलार्ड मारेगा या हार्दिक मारेगा, वैसा सूर्या का रेपुटेशन है नहीं, मगर सूर्या जिस तरह से रन करता है वो शायद पोलार्ड नहीं कर सकता। मैंने कई बार कहा है कि ना एक हाथ होता है उस पर हर उंगली अलग अलग काम करती है और उनके रोल्स अलग अलग होते हैं, तो वही सूर्या का रोल है मुंबई के लिए। ही वॉज एज डेंजरस, क्योंकि अगर आप देखो बिटवीन हार्दिक और सूर्या लास्ट 3 ओवर में 51 रन्स ऐड किए गए थे, तो मेरे लिए मैं कहूंगा कि वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। वो 3 ओवर में अगर राजस्थान कम रन्स देते थे तो दे वुड हैव केप्ट द गेम अलाइव, मगर सीधा यू नो अराउंड 170-175 पार स्कोर मैं कहूंगा इस ग्राउंड पे जहां बाउंड्री लाइंस बड़ी है और जब बैटिंग सेकंड करनी है तो वो थोड़ी मुझे लगता है कि ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि बॉल कुछ ना कुछ ऑफ द सीम करता है शुरू में, स्पिनर को भी थोड़ा जब सीम ड्राई होती है तो थोड़ा बॉल ग्रिप होके जाता है। तो मैं कहूंगा कि वहां पे मुंबई ने जब 193 टोटल बोर्ड पे लगा था तो वो एक मिनी विक्ट्री थी। मैं कहूंगा जब ड्रेसिंग रूम में मीटिंग हुई होगी पहले हाफ के बाद तो मुंबई मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली हैप्पी विद द टोटल दैट दे हैव पुट ऑन द स्कोरबोर्ड। लास्ट 51 रन्स ने पूरा थिंकिंग चेंज कर दिया, क्योंकि वहां पे अगर इंस्टेड ऑफ गिविंग 51 रन्स इफ राजस्थान हैड गिवन 35-38 रन्स के करीब तो टारगेट शायद 175-177 के करीब रहता था। तो वो टारगेट चेस करना और 193 चेस करना बहुत फर्क होता है। वो बाद में एक स्टेज के बाद हर एक रन डेढ़ या दो रन के ऑलमोस्ट कन्वर्जन में काउंट किया जाता है। तो सूर्या ने जिस तरह से दिखाया उसका कमाल लास्ट कुछ ओवरों में, और जिस तरह से हार्दिक ने भी बाउंड्री क्लियर कर रहा था और वो दौड़े भी बहुत कमाल की, वो टू मी वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट। हार्दिक इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स दैट वी हैव सीन की ना वो कंसिस्टेंटली आके कम बॉल में रन बना रहे। लास्ट मैच में उसने 30 रन कुछ किए और हार्डली 18-19 बॉल ही खेले, तो वो कंट्रीब्यूशन जो लोअर ऑर्डर की हो रही है कंसिस्टेंटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई के लिए, एंड दैट वाज द रीजन मुंबई एक कॉम्पिटिटिव टोटल बोर्ड पे लगा सके। सेकेंड हाफ में जब मुंबई बोलिंग करने आई तो दे लुक चार्ज्ड अप, क्योंकि उन्हें पता था कि राजस्थान की जो बैटिंग ऑर्डर है अप फ्रंट दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बटलर, स्मिथ और संजू सैमसन टॉप चार बैटर्स में, ये तीन बैटर्स के ऊपर बहुत रिलाय करते हैं। और जहां पे पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल आउट हुए ट्रेंट बोल्ट को, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि ट्रेंट बोल्ट का एक्सपीरियंस काम में आया उसे, क्योंकि ही डिडंट ट्राई टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। उसने आके पहले दो गेम की वो जस्ट मैं कहूंगा कि टेस्ट मैच वाले गेम की, T20 वाली बॉलिंग नहीं थी, ये टेस्ट मैच वाली बॉलिंग थी, जस्ट नॉर्मल गुड लेंथ डिलीवरी विच लेफ्ट हिम। और वो शुरू में कभी कभी हो जाता है, कभी कभी लक आपके साथ हो तो आप बीट हो जाते हो, अगर लक नहीं हो तो आप एच कर जाते हो, वही हुआ यशस्वी के साथ। बट वो दैट ब्रेक थ्रू वॉज क्रिटिकल, और वो ब्रेक थ्रू मिलने के बाद अगर आपने देखा तो पहली बार बुमराह दूसरे एंड से उसने बॉलिंग ओपन की है, तो उससे फर्क पड़ जाता है जब बॉल की जब सीम हार्ड होती है और थोड़ी अपराइट होती है तो ऑफ द विकेट भी उसे थोड़ा ज्यादा हेल्प मिलती है बॉलर को, और बुमराह जैसे बॉलर को अगर ज्यादा हेल्प मिलती है तो इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। और जहां पे स्मिथ की जो विकेट मैंने देखी बुमराह ने ली, तो मुझे लग रहा था कि ऑफकोर्स स्मिथ थोड़ा रेस्टलेस था, बट मेंटली मुझे वो काम नहीं लग रहा था, उसका शॉर्ट सिलेक्शन कुछ ठीक नहीं था कल। मुझे लगा कि उसने जो एक
पहले पुल शॉट भी मारा था जो उसे चौका मिला, वो शॉट डिलीवरी नहीं थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, मगर वो अच्छी कनेक्ट हो गई थी। पर जो आउट हुए जिस गेम के, वो बॉल अगर वो स्टेयर करते थे थर्ड मैन को, या जस्ट नॉर्मली ब्लॉक करके अगर सिंगल भागने की कोशिश करते, क्योंकि दे बोथ कैन रन वेल, बटलर और स्मिथ दोनों अच्छे भागते हैं, तो अगर दे हैड ट्राई टू डू दैट, मे बी स्मिथ वुड हैव कंटिन्यूड बैटिंग आफ्टर दैट। वो शॉट सिलेक्शन खराब था, और मुझे नहीं लगता कि वैसे कैचेस क्विंटन ड्रॉप करेगा, क्योंकि वो इतना मुश्किल कैच नहीं था। हाँ, बॉटम एज पे लगा हुआ था, मगर कैचेबल हाइट पे था, ऐसे इम्पॉसिबल कैच को कन्वर्ट नहीं किया था उसने। इसमें अगर एक चीज की तरफ मैं पिन पॉइंट करूँ, तो मुझे लगा कि स्मिथ का शॉट सिलेक्शन वॉज रॉन्ग, और वो उसके रिएक्शन से ही पता लग गया था कि वो कितने अपसेट थे अपने शॉट सिलेक्शन पे। डगआउट में भी जाके उनके रिएक्शन, जो उनका जो हम फेस रीड करते, तो वो कुछ डिसअपॉइंटेड ज्यादा ही थे, क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एंड आई सी हिम चेंजिंग दैट अप्रोच इन टाइम टू कम। गेम चेंजिंग मोमेंट के बारे में अगर बात की जाए, तो मुझे लगता है कि पहले तीन ओवर जो मुंबई ने किए, That was a game changer for me. क्योंकि तीसरे ओवर में संजू सैमसन भी आउट हुए, ट्रेंट बोल्ट का शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था जो हरेड ऑन टू हिज बैट, और मिड ऑन पे आसान सा कैच हो गया। तो वो तीन विकेट आप पहले तीन ओवर में करते हो, हार्डली 12-13 रन थे बोर्ड पे, तो वहां पे मुझे लगा कि आधे से ज्यादा मैच खत्म हो गई थी, क्योंकि ये दो जो बैटर्स है स्मिथ और संजू, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है राजस्थान के लिए। यस, यशस्वी ने थोड़ा प्रॉमिस दिखाया था जब शुरू में खेले था, मगर यहाँ पे अगर संजू और स्मिथ की बात की जाए, जॉश बटलर के साथ ये तीनों मिलके राजस्थान का एक फाउंडेशन लेकर, उसके बाद थोड़े बहुत पार्टनरशिप हुई लमरोर और बटलर की, मगर नथिंग अलार्मिंग। मुझे लगा कि वहां गेम ज्यादा मुंबई की तरफ आए जा रहा था, और वो उन्होंने सील कर दिया। जैसे उनकी कैचिंग भी बहुत अच्छी थी, अनुकुल ने भी एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। मुझे लगता है कि जब सर के ऊपर से बॉल पीछे जा रहा होता है, तो बॉडी को घुमा के बॉल को देखना, तो बॉल एक तो पीछे जा रहा होता है और आप घूम रहे हो, तो उसमें हेड को स्टेडी रखना और अपने हैंड्स को पोजीशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनुकुल के जो हैंड पोजीशन थी मुड़ते हुए भी, वो बहुत कमाल की थी, और वो आसान कैच नहीं था। सब यही देख रहे हैं कि उसने डाइव मार के कैच पकड़े, ऑफ कोर्स वो तो रीच की बात हो गई, मगर उसे जज करना इज नदर स्किल। तो वो उसने एब्सोल्युटली 100% स्पॉट ऑन। दूसरे कैच के बारे में अगर बात की जाए, तो पोलार्ड का कैच, पोलार्ड जब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ वगैरह डीप मिड विकेट पे खड़ा रहता है, तो मुझे याद नहीं कि वहां पे पोलार्ड के हाथ से कभी कैच गया हो। वो एक्चुअली सीजन बॉल बिकम्स अ छोटा सा नींबू उसके हाथ में, तो इधर उधर लग के बॉल कहीं कैचिंग एरिया में ही रहता है, तो वो वापस पकड़ लेता उसे, तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू गो पास पोलार्ड अगर उसके रीच में है बॉल। और उसका रीच तो कल सभी ने देखा होगा कितना बड़ा रीच है। पोलार्ड इज अ स्पेशल फील्डर, यू कैन नॉट कंपेयर हिम टू एनीवन एल्स। जो बाउंड्री लाइन पे जो ग्राउंड कवरेज करता है, और जो इन द एयर भी उसकी जो रेंज है, वो कमाल की है। आई फेल्ट ऑल इन ऑल जो टॉम करन और बटलर के बीच पार्टनरशिप हुई, वो यहां थोड़ा प्रॉमिस दिखा है उन्होंने बीच वाले, फ्रॉम 10 टू 14 ओवर अगेन दे एडेड 46 runs on those 4 overs, but the required run rate was too high. And then to have Bumrah bowl towards the end, or baki ke bowlers bhi, Trent Bolt tha aur Pattinson, it was never going to be easy for Rajasthan. Jo bhi unhone koshish ki, mujhe laga ki Butler tha tabhi the match was alive, but mujhe dusra aur batter ko koi aake राजस्थान को जितवा सके ऐसे नहीं दिख रहा था, क्योंकि बॉलिंग अटैक वाज वेरी वेरी गुड उनके अगेंस्ट। जितवाने के लिए बटलर ओनली हैड टू डू समथिंग स्पेशल। वो एक स्पेशल इनिंग खेले, शुरू में जैसे चाहिए था वैसे नहीं चल रहा था उनका फ्लो, मगर स्लोली बटलर हैज ऑलवेज बीन अ डेंजरस प्लेयर।
वो अगर विकेट पे खड़े हैं तो मैच इज अलाइव एंड दैट इज व्हाट आई फेल्ट. हिज विकेट वाज अ क्रूशियल विकेट. पैटिनसन केम एंड गॉट अ क्रूशियल विकेट. मगर समथिंग दैट आई एंजॉयड वाचिंग लास्ट नाइट वाज आल्सो बुमराह की ब्लॉकर्स आर कमिंग बैक स्लोली बट श्योरली. आई थिंक जैसे बॉलर ज्यादा ओवर करने लगता है तो उसे और कॉन्फिडेंस आने लगता है अपने रनअप में, अपने रिदम में और जहां से रिलीज पॉइंट है कि आप जब यॉर्कर डालते हो तो हम कहते हैं कि ना लॉन्ग आर्म लीवर कि ना लंबा आर्म रख के आगे पुश करना बॉल को. जब छोटा आर्म होता है और डालते हो तो इनवेरेबली बॉल शॉर्ट गिर जाता है. तो यॉर्कर्स डालने में बिल्कुल आगे रिलीज करना और वो बॉलिंग कर करके होता है. तो वो आई एम नोटिसिंग इन बुमराह. सो वेरी वेल डन टू मुंबई for yesterday's victory. It was magnificent. I enjoyed watching the competitive spirit and jis tarah se unhone pressure rakha, something which was nice to see also ki Bumrah ne open ki bowling, wo mujhe lagta hai zyada effective rahenge aur Pattinson ne bhi aake baad mein achhi bowling ki hai. To wo ek surprise element tha Rajasthan ke liye aur wo hua kyunki pehle over mein wicket mili thi. But mere liye game changing moment was in the first 3 overs when Mumbai had 3 wickets for only 12 or 13 runs. मेरे लिए ये game changing moments थे first half में भी और second half में भी. आपके share कीजिए मेरे साथ.